आर्टिकल 370 को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस फैसले का की ही अपेक्षा हम लोग कर रहे थे, हम लोग को उम्मीद नहीं, विश्वास था कि इसी तरीके का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। इस वैलिडेशन का इंतजार संभवतः विपक्ष के वो नेता कर रहे होंगे जिन्हें सरकार के फैसलों पर, जिन्होंने बार बार सवाल खड़े किए, जिनको विश्वास कभी नहीं रहा, वो लोग जरूर वैलिडेशन का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आने के बाद संभवतः वंस एंड फॉर ऑल ये मामला समाप्त हो गया होगा। ये विश्वास हम लोग को तब भी था जब सदन में इस प्रस्ताव को लेकर आया गया था, उस वक्त भी बहस में हिस्सा लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैंने ही अपनी पार्टी के मत को सरकार के समर्थन में मैंने रखने का काम किया था। और उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था कि मेरा विश्वास है पूर्णतः नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि ये जो फैसला लिया जा रहा है, ये लंबे समय से इस फैसले की मांग, धारा 370 को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, और इस सरकार को पूरा कर एक बड़ी आबादी को संतोष पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। और मुझे लगता है आज उसी बात को वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वैलिडेशन मिला है। जहां तक रही बात चुनाव कराने की, सरकार पहले से ही कमिटेड है इस बात को लेकर कि जल्द ही वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे।